हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 390 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये इसके चार ऑप्शन दिए, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। सीपी मानते हैं हम 100। अब 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो एसपी कितना होगा? 120। अब सवाल में दिया है एसपी 390 के बराबर दिया है, मतलब 120 यूनिट 390 के बराबर दिए, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी? तो 390 बट्टे 120, और हमें निकालनी है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर होगा 390 बट्टे 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से काटते हैं, दो छिंग 12, दो पंजे 10, छः से काटते हैं, छचरंग 36, तीन बचे यहाँ हो गए 30, छः पंजे 30, तो ये आ गया हमारे पास 65×5। गुणा करते हैं, 25×5 हासिल 2, 5×6 30 और 2×32, तो कितना आया सीपी? 325। ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हमें सीपी दिया है 25 रुपये, एसपी दिया है 30 रुपये, तो कितने का लाभ हुआ? 5 का। लाभ हमेशा किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 25। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा, तो 5×5 25, तो 1/5 इंटू 100, 5×2 10 20, तो ये आएगा 20%। तो कितने का लाभ हुआ? 20% का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसे इस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 20/100, तो 20×120, 20×5 100, तो ये आया 1/5, मतलब 5 पर 1 का लाभ होता है, तो 5 क्या हो गया? सीपी, और 1 ये हो गया लाभ। तो हमारा एसपी कितना होगा? एसपी होता है सीपी प्लस लाभ, तो ये हो गया 5 + 1 6। अब 6 यूनिट बराबर दिया है 480 रुपये, तो एक यूनिट बराबर निकलेगा 480/6। अब 6×8 = 48, तो ये आया 80। अब हमें निकालना है सीपी, तो सीपी कितना दिया है? 5 यूनिट, तो हम निकालते हैं सीपी, तो सीपी बराबर 5×80, तो ये आएगा 5×8 = 40, 400 रुपये। तो हम इस प्रकार भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम मानते हैं एक संतरे का एसपी मानते हैं 1 रुपये, तो 36 संतरे का एसपी कितना होगा? 36 रुपये। अब सवाल में दिया है 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, अब तो 4 संतरों का कितना होगा?
चार संतरों का SP होगा 4 रुपये। अब 36 में बेचते हैं तो 4 रुपये की हानि होती है, तो CP कितना होगा? 36 प्लस 4 बराबर 40 रुपये। अब हमें सवाल में पूछा है तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब 40 रुपये की चीज़ 36 रुपये में बेची जाती है तो कितने की हानि हुई? तो लॉस परसेंट बराबर 4 रुपये की हानि हुई, कितने पर हुई? 40 रुपये पर, इंटू 100। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 40 और 10 × 2 = 100, तो 10% का हानि हुई। फिर से समझाते हैं। एक संतरे का SP 1 रुपये हमने माना, तो 36 संतरों का SP कितना होगा? 36 रुपये। अब सवाल में दिया है 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 4 संतरों का SP होगा 4 रुपये, मतलब हमें 4 रुपये की हानि होती है जब हम संतरों को 36 रुपये में बेचते हैं। तो संतरों का CP कितना होगा? 40 रुपये, तभी तो 4 रुपये की हानि हुई है। अब उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें तो हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो कितने की हानि हुई? 4 रुपये की। हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य दिया है 40 रुपये, परसेंटेज में चेंज करना, 100 का गुणा करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 40, 1/10 × 100, 10 × 2 = 100, 10%। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें CP दिया है 1400 रुपये। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और क्रय मूल्य हमेशा हम 100% मानते हैं। अब सवाल में दिया है 15% की हानि, तो हानि को हमेशा 100 में से घटाते हैं, तो ये आया 85%, मतलब साइकिल को 85% पर बेचा, तो कितने में बेचा? 85% पर। किसका 85%? क्रय मूल्य का। तो हम 1400 का 85% निकालते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारे पास आया 14 × 85। अब गुणा करते हैं, तो 14 × 5 = 70 के 0 हासिल 7, अब 14 × 8 = 112, 112 और 7 = 119, तो ये आ गया साइकिल का विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिया है 15% की हानि, तो हम 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये आता है 3/20। तो 20 क्या है? ये CP है, और ये क्या है? लॉस। तो SP कितना होगा? 20 − 3 = 70 यूनिट। अब हमें 20 यूनिट की वैल्यू दी है 1400 रुपये, तो हम निकालते हैं एक यूनिट, तो 1400/20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 7 = 14, तो ये आएगा 70। अब हमें निकालना है SP, SP कितना दिया है? 17 यूनिट, तो SP बराबर 17 × 70, तो 17 7 = 119 और 1 0, तो फिर भी 1190 आया। तो ये था सेकंड मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपये है और उसे 897 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी? मतलब अंकित मूल्य दिया है, MP दिया है 975 रुपये और SP दिया है 897 रुपये, हम निकालते हैं पहले छूट, तो
एमपी माइनस एसपी, तो कितने रुपए की छूट हुई? तो 975 माइनस 897, तो ये हम घटाते हैं तो ये आया 78 रुपये। अब निकालते हैं छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत बराबर 78 रुपये की छूट हुई कितने रुपये? तो 975 रुपये पर इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 20 हो गए, इधर इधर काटते हैं 5 एकन 5 4 बचे, इधर हो गया 47, 5 निम 45 बचे 2 25 हो गए, तो 5 25 फिर 5 से काटते हैं तो 5 चक 20 और इधर काटते हैं 5 से तो 5 3 15 बचे 4, यहाँ हो गए 45, तो 5 निम 45 और 39 दूनी 78, तो ये आया 2 गुणा 4 बराबर 8%। तो कितने की छूट मिली? 8% की। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।